बिहार स्कूल के इस YouTube चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से अपन बिन्नों की संख्याओं से अवगत कराएंगे, बिन्नों की संख्या पढ़ेंगे कि कौन सी भिन्न किससे छोटी है, कौन सी भिन्न किससे बड़ी है, किस संख्या का किस भिन्न का मान कितना है। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है, इन बंटवारों को देखें और इनके बीच में देखिए ये चिन्ह किसका है और ये चिन्ह किसका है और ये किसका है। ये देखिए ये चिन्ह है बड़ा चिन्ह, ये चिन्ह है छोटा चिन्ह, ये चिन्ह है बराबर का चिन्ह। यानी पहले अगर भिन्न बड़ी हो और बाद में छोटी हो तो ये चिन्ह आएगा, और पहले अगर भिन्न छोटी होती है और बाद में बड़ी होती है तो ये चिन्ह आएगा और बराबर का चिन्ह ये। अब देखिए एक बटा चार और तीन बटा चार, यानी दोनों ही भिन्नों के हर बराबर हैं, दोनों ही भिन्नों के हर बराबर है, यानी समान हर वाली भिन्न में जिसका अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। तो देखिए हर अंश तो बराबर एक जैसा है, अंश ये छोटा है ये बड़ा है, यानी ये भिन्न क्या हो गई, छोटी हो गई। तो छोटा चिन्ह कौन सा है भाई, ये है ना। तो इसमें आप ये चिन्ह भर लें, छोटा चिन्ह हो गया। अब आगे देखिए एक बटा दो, एक बटा दो यानी एक बटा दो का मतलब होता है आधा और आधा, यानी दोनों ही संख्या बराबर है, बराबर का मतलब एक जैसी है, तो इसको बराबर के चिन्ह से व्यक्त करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अभी देखिए एक बटा तीन और एक बटा दो, यानी इन दोनों भिन्नों में यहां तो देखो हर बराबर थे, यहां हर बराबर थे, अब यहां पर देखिए हर तो बराबर नहीं है, अंश बराबर है, अंश बराबर है। तो देखिए ऐसी भिन्नें जिसका अंश बराबर है, अंश बराबर है इन दोनों के। अब ऐसी भिन्नें जिसके अंश बराबर होते हैं, तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, यानी एक बटा दो बड़ी है और एक बटा तीन छोटी है। तो देखिए यह आएगा छोटा चिन्ह। अब यहां पर देखो एक बटा चार और दो बटा तीन, ना तो इसमें अंश बराबर है और ना ही इसमें हर बराबर है, तो करेंगे क्या, देखिए ऐसी संख्या से गुणा कर ले, एक बटे चार और दो बटे तीन को ऐसी संख्या से गुणा कर ले। देखिए इसको आप चार से गुणा कर लेंगे, इसको आप तीन से गुणा